एक तरह से पैसा बनाने का धंधा ढूंढ लिया इन लोगों ने। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं साइबर क्राइम के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं केसेस की वजह से हैदराबाद और बेंगलुरु गया हुआ था। आपको बता दें, इतना खराब सिस्टम है वहाँ का, इतना ज़्यादा खराब सिस्टम है। मैं केसेस की वजह से गया हुआ था वहाँ पे, साइबराबाद पुलिस स्टेशन है, तो ऑफिसर ने वहाँ पे बिल्कुल भी मना कर दिया कि सर देखिए, मैं कोऑपरेट नहीं कर पाऊँगा इसमें, और आपका जो केस है, आपके जो क्लाइंट का केस है, उसे हम सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा। और तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा सर, इन्वेस्टिगेशन जो आप करेंगे वो कितने दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी? तो कहते हैं कि सर, उसके लिए तो हम बता नहीं पाएंगे, साल दो साल भी लग सकते हैं। मतलब इस तरह की बातें वो बोलते हैं। फिर मजबूरन हमें उन केसेस को कोर्ट के थ्रू कराना पड़ा, और के कोर्ट में जो है अभी भी केस पेंडिंग है, और देखते हैं उनका रिजल्ट कब तक आता है। दोस्तों, उसके बाद मैं बेंगलुरु गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं साउथ जोन में गया हुआ था, तो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो एक हमारे क्लाइंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा और उन ऑफिसर्स का भी मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो करीबन उनका 5 लाख रुपए फ्रीज था उनके अकाउंट में, और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था वो करीबन आई थिंक 1 लाख रुपए, हाँ 1 लाख रुपए उनका था। अब तो मैंने ऑफिसर से कहा कि सर, ये 1 लाख रुपए जो इनके अकाउंट में आए हुए हैं, ये पैसों का जो प्रूफ है मेरे पास रखा हुआ है, और इन्होंने जो है क्रिप्टो परचेज किया था। तो मुझसे पुलिस वाला बोलता है, जो आईओ है उसमें, इंस्पेक्टर थे उसमें, तो वो कहते हैं कि क्रिप्टो कहाँ पे लीगल है? तो मैंने उनसे छूटते ही बोला कि सर, अच्छा आप ये बताइए, क्रिप्टो इलीगल कहाँ पे है? गवर्नमेंट 30% टैक्स ले रही है, 1% TDS ले रही है, तो ये कहाँ से इलीगल हो गया? तो कहते हैं, मैं तो यहाँ से नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको केस सॉल्व कराना है तो 7 लाख रुपए का जो है जो फ्रॉड हुआ था वो 7 लाख रुपए आप हमें दे दो, और आपका हम बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। तो मैंने कहा, मेरे क्लाइंट के अकाउंट में तो 5 लाख रुपए हैं, तो 7 लाख रुपए क्यों दे देगा वो? कहते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, अब जाइए कोर्ट चले जाइए, वहां से करा लीजिए। मतलब आप सोच नहीं सकते, इस तरह की चीजें जो है ऑफिसर्स कर रहे हैं, एक तरह से पैसा बनाने का धंधा ढूंढ लिया इन लोगों ने। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज आप इनकी शिकायत इनके सुपीरियर से करें, ताकि आपका अकाउंट जो है इजिली छूट सके। दोस्तों, इस तरह की चीजें जो है पुलिस वाले यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आप अपना बैंक अकाउंट इजिली कैसे छुड़ा सकते हैं। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, फिर वो गुजरात में हों, महाराष्ट्र से हों, या तमिलनाडु से, केरला से, कहीं भी किसी भी अगर स्टेट से है, तो हमसे कॉन्टेक्ट करके अपना बैंक अकाउंट छुड़वा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपका अकाउंट 1 हफ्ते में छुड़वा दूंगा, लेकिन हाँ, कोशिश करके जल्द से जल्द, जितनी भी जल्दी हो सकेगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो मैं अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो भी लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट्स हैं, जो न्यू एडवोकेट्स हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ वो जुड़कर काम कर सकते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज के केसेसों में। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से, जगह जगह से केसेस आते ही रहते हैं, तो जितने ज़्यादा हमारे हाथ होंगे उतने ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी इंस्टा आईडी भी दे दूंगा, आप वहां पे मुझे DM भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आपको बता दें, हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।